बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेरे चैनल आबूस किचन एंड लाइफस्टाइल में वेलकम है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम। 10 मिनट में बनाएंगे चिकन स्टीम। जब कभी घर में गेस्ट आ जाएँ तो समझना है क्या बनाएँ, तो आप जल्दी जल्दी से चिकन स्टीम बनाएं और गरम गरम रोटी या नान के साथ उन्हें सर्व करें। चिकन स्टीम की रेसिपी शुरू करने से पहले जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलने शुरू करते हैं चिकन स्टीम बनाने के लिए। मुझे जो जो चीज़ चाहिए वो नोट कर लें। यहाँ मैंने 2 किलो चिकन लिया है जो मैंने धो के इसको कट लगा लिए हैं। थोड़ी बड़े साइज़ की बोटी है, देखिए जी, इसको मैंने कट लगा के रख लिया है। और अब स्पाइसेस की तरफ जाएंगे। सबसे पहले सूखा धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 2 टेबलस्पून, नमक डालेंगे हम हसबे जायका, काली मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून और ज़्यादा रंग है चुटकी बराबर। और 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे ऑयल और सिरका और सोया सॉस, ये भी 2-2 टेबलस्पून डालेंगे हम। चलिए सबसे पहले हम करते हैं चिकन की मैरिनेशन। तमाम स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं प्रेशर कुकर में। हम मैरिनेशन जो करेंगे वो प्रेशर कुकर में करेंगे ताकि फौरी फौरी हम रख लें इसको चूल्हे पे। स्पाइसेस के बारे में बाद मैंने डाले 3 टेबलस्पून ऑयल के, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें सिरका, वो भी 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर डाल देंगे सिरका। और अब डालेंगे हम इसमें सोया सॉस, वो भी 2 से 3 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप हाथ की मदद से कर लें या चम्मच की मदद से कर लें, यहाँ मैं हाथ की मदद से मिक्स करूँगी अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब तमाम चिकन के जो पीसीज हैं वो हम इसमें रख देंगे और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है ये तमाम पीसीज पे अच्छा सा लग जाए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप मैरिनेशन के लिए से 1-2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, और अगर नहीं है तो फौरी फौरी आप इसको मैरिनेट करें और फौरी फौरी इसको प्रेशर कुकर लगा दें। यहाँ मैं प्रेशर कुकर ही लगाऊंगी 10 मिनट के लिए। ये देखिए मसाला जो है हमारा तमाम चिकन पीसीज पे अच्छे से लग चुका है। अब हम इसे करेंगे बंद प्रेशर कुकर के ढक्कन से और इसे पकाएंगे हम 10 से 12 मिनट के लिए। विसल बोलने के बाद 10 से 12 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे। ये देखिए मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया है। 10 से 12 मिनट के बाद अब मैंने प्रेशर खोल दिया है प्रेशर कुकर। ये देखें जो चिकन का पानी है वो ड्राई हो चुका है, और ये देखें चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है। ये देखें जी लेग पीस भी हमने दिखा दिया है अच्छे से गला हुआ। अब हमने इसे कर दिया डिश आउट। ज़बरदस्त सा जूसी सा हमारा चिकन स्टीम 10 मिनट में चिकन स्टीम रेडी है। जब कोई गेस्ट आ जाए और समझना है क्या बनाएं तो जल्दी जल्दी चिकन स्टीम बनाएं और उन्हें सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि कैसी लगी रेसिपी आपको। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।